गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो सैटरडे की सुबह हो चुकी है, आज है सैटरडे मॉर्निंग। और सैटरडे मॉर्निंग का मतलब आराम? नो, काम काम और भी काम। सैटरडे को काम होते हैं लॉन्ड्री के, घर के, सफाई करने के। तो इस ये वीकेंड तो मेरा सफाई में जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन आपको सुनाती हूँ लास्ट वीकेंड की कहानी। तो लास्ट वीकेंड था थैंक्सगिविंग डे और मंडे थी छुट्टी। तो मंडे छुट्टी थी, थैंक्सगिविंग डे था। कनाडा में थैंक्सगिविंग होती है अक्टूबर में और यूएस में होती है नवंबर में, नवंबर एंड के आसपास। तो थैंक्सगिविंग डे था, लॉन्ग वीकेंड था, छुट्टी थी और फॉल के कलर्स तो आपने देखे हैं, ब्यूटीफुल। तो हमने सोचा हम चलते हैं फॉल के कलर्स देखने हैमिल्टन, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर होने से जो फॉल के कलर्स होते हैं ऊंचाई से नीचे देखने पे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आपको भी लेके चलते हैं फॉल के कलर्स दिखाने के लिए। और देखिए रास्ते में क्या क्या देखा हमने, कैसे कैसे होते हैं कैनेडियन लोग। आप कैनेडियन रास्ते की भी मस्ती देखिए कि रास्ते में मैं आपको दिखाती जाऊंगी कैनेडा के बारे में। तो चलते हैं पिछले वीकेंड और देखिए हमारी मस्ती फॉल के कलर्स के साथ। तो हम लोग निकल चुके थे हैमिल्टन की ओर। हैमिल्टन एक ओंटेरियो में एक शहर है, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर है, जहाँ पर लेक्स एंड फॉल के कलर्स एंड वाटरफॉल्स भी बहुत सारे हैं इन ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ। पास ही में एयरपोर्ट था, तो हमें बहुत ज़्यादा प्लेन्स भी देखने को मिलते थे। तो ये है मैरिलिन मोनरो टावर। इसका कर्वेशियस फिगर के कारण जो एक्ट्रेस है मैरिलिन मोनरो के नाम पर रखा गया है। ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल टावर्स हैं, रेजिडेंशियल टावर्स हैं बेसिकली, जो कि मिसिसागा एक ओंटेरियो की सिटी है, हमारे रास्ते में पड़ती है उसके। और आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल रास्ता, कनाडा का हर रास्ता है इतना ही बेहद खूबसूरत है, इसीलिए यहाँ पर ड्राइविंग करने में भी बड़ा मज़ा आता है। और साथ ही साथ आप देखते जाइए फॉल्स के कलर्स, जो कि मंत्रमुग्ध होके हमने देखा था रास्ते में। और रास्ते में हमने देखा कि लोग अपने बोट भी साथ में ले जा रहे थे, अपनी गाड़ी में अटैच करके पूरा ही हॉलीडे मूड में लोग दिख रहे थे। और इतना ट्रैफिक जाम था रास्ते में, वो भी छुट्टी वाले दिन। हालांकि रास्ता ऑलमोस्ट खाली होता है, बट उस दिन बहुत ही ज़्यादा जाम था। लेकिन हमें आगे जाके पता चला कि वो जैम क्यों लगा हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, जैसे ये छोटी सी बोट लेके जा रहे हैं अपने पिकअप ट्रक पे, उन्होंने अटैच कर रखी है, वैसे ही लोग अपनी, ये देखिए डॉगी को भी ले जा रहे थे साथ में, जो कि घूमने के पर्पज से। ये मोटर होम भी आप देख सकते हैं, मोटर होम लेके भी जा रहे थे। हमने बहुत सारी मोटर होम्स देखी रास्ते में, बिल्कुल चलता फिरता घर होता है। लोग अपनी बाइक्स भी निकाले हुए थे, जबकि ठंड हो गई थी थोड़ी, लेकिन फिर भी लोग बाइक पे घूमने के लिए खुश थे और बहुत ही मज़े में थे। ये देखिए जो एक जाम किस लिए लगा था, ट्रैफिक जाम इतना बड़ा, चूँकि एक एक्सीडेंट हो गया था आगे, जो पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, एम्बुलेंस भी आई हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई हुई थी, इसलिए पूरा रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। और इसके बाद तो हमने नज़ारों से नज़र ही नहीं हट रही थी। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख सकते हैं आगे, बस अब नज़ारे ही नज़ारे थे, जो कि तरह तरह के गाने हमें याद आ रहे थे इन नज़ारों पे। ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड स्टनिंग व्यूज़ थे यहाँ पे, नज़ारों के बीच जो घर बने हुए थे। मैं सोच रही थी वो लोग कितने लकी होंगे जो उस घर।
आप देख सकते हैं कितना ही अमेजिंग व्यूज़ है। इन व्यूज़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कनाडा कितना ब्यूटीफुल कंट्री है। हर जगह ऐसे ब्यूटीफुल कलर्स, मुझे तो ये सीज़न बहुत पसंद है। फॉल के कलर्स देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि मन और दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम शांति, बहुत ही अच्छी शांति मिलती है और बहुत ही ज़्यादा जो है मन प्रसन्न हो जाता है। ये अपनी कयाक लेकर भी जा रहे हैं, हॉलीडे मूड चारों तरफ लोगों के दिलो दिमाग में था, सब लोग गा रहे थे, गुनगुना रहे थे और मस्ती से जा रहे थे। अब आप देखिए ये घर जो बने हुए हैं, अगल बगल भी कितनी पूरी हरियाली और बीच में एक घर, फिर थोड़ी दूर पे एक घर, फिर हरियाली से भरा हुआ, उसके बाद कि लोगों को कितना नेचर इन्जॉय करते हैं लोग और कितना ही चाहते हैं ऐसी जगहों में रहना और कितनी शांति होती होगी वहाँ पे। मेरा भी बड़ा मन है कि एक ऐसी जगह के फार्म हाउस टाइप का घर लिया जाए। आपका क्या ख्याल है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। इन बेहतरीन नज़ारों को देखते हुए हम लोग हैमिल्टन पहुंच ही चुके थे, क्योंकि ये ब्यूटीफुल लोकेशन देखने के बाद तो जीपीएस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा पता चल जाता है कि हम लोग हैमिल्टन पहुंच गए। रास्ते में भी बहुत सारे हमने देखे और ये देखिए इतने ब्यूटीफुल नज़ारों के बीच घर। और फिर हम लोग पहुँचे तो देखा कि इतनी शांति वाली जगह में भी इतना ट्रैफिक जैम है। हम लोग पहुँच गए थे डंडास व्यू पॉइंट, बट हमने एक गलती करी जहाँ पे हमने रिजर्वेशन नहीं कराया पहले से। हमने तो बस सोचा उठे और चल दिए, क्योंकि एक ही दिन था छुट्टी वाला और जिसमें कि हम लोग घूम सकते थे, बाकी दिन तो कुछ न कुछ काम लगे रहते हैं। तो पहुंचने के बाद हमें पता चला कि इतनी भीड़ है, ओवरबुक्ड है वो वहाँ पे, कि हम वेट लिस्ट पे भी अपना रिजर्वेशन करा नहीं सकते थे। लेकिन हमने फॉल्स की व्यू भले वहाँ पे नहीं देखे, इतने सारे फॉल्स के व्यू देखे, तो फिर कुछ देर रुके और सोचा अब क्या करना है आगे। ये देखिए घर में भी मोटर होम खड़ा है, सॉरी मोटर होम के मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि गाड़ी आगे निकल गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ा बढ़िया मोटर होम खड़ा कर रखा था। और ये देखिए भीड़ थी वहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियाँ कि पार्किंग लॉट भी फुल था और रोड भी फुल था। तो फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए आगे। आज थोड़ी धूप अभी निकली है वरना सुबह से बारिश हो रही थी। ये हमारा बैकयार्ड का व्यू खिड़की से। थोड़ा सा जल्दबाजी में अगर निकले, थोड़ा सा रिजर्वेशन करा के निकलते, टिकट बुक करा के निकलते, तो हम फॉल के कलर्स भी देख पाते। लेकिन हमने फॉल कलर्स के साथ साथ देखा टिफनी फॉल्स भी। गए थे फॉल्स व्यू देखने के लिए, बट जो है वहाँ पे बिल्कुल ही पैक था, कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो इस वजह से हम आ गए टिफनी फॉल्स देखने। देखते